दीपिका पादुकोण दे हीरो फसे मुश्किलां च। फास्ट एंड फ्यूरियस दे एक्टर ते लग गए गंभीर इल्जाम। आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग दिस बट आई नो वन थिंग, यू लव मी। विन डीजल इन्हां दा नाम ता हर कोई जानदा है क्योंकि ये हॉलीवुड दे सुपरस्टार ने ते फास्ट एंड फ्यूरियस दे मेन एक्टर मन्ने जांदे ने। इन्हां दे एक्शन सीन्स नूं हर कोई पसंद करदा है ते इंडिया दे विच वी इन्हां दी एक वड्डी फैन फॉलोइंग है। पर दस दिए कि एक्टर हुण मुश्किलां दे विच फसदे होए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हां दे उत्ते ही उन्हां दी एक्स असिस्टेंट दे वल्लों सैक्सुअल हरैशमेंट दे दोष लगाए गए ने। इस सहायक दे वल्लों खुलासा किया गया जिसनों सुन के तुसी हैरान हो जाओगे। दरअसल इस एक्स असिस्टेंट का नाम एस्टा जोनासन है जिसने दावा किया कि एक्टर ने अटलांटा दे विच फास्ट फाइव दे शूटिंग दौरान 2010 दे विच एस्टा जोनासन दे नाल सेक्सुअल हरासमेंट किया सी। नाल ही दावा किया कि होटल दे कमरे दे विच भी एक्टर दे वल्लों इस एक्स असिस्टेंट दे नाल जबरदस्ती करन दी कोशिश की गई सी। तां दस दिए कि कानूनी शिकायतों दे अनुसार जोनासन नूं विन डीजल दी कंपनी दे विच बहुत सारे काम करन दे लई कहा गया सीगा जिस दे विच सोशल इवेंट्स दे विच डीजल दे नाल एक्स असिस्टेंट नूं जाना हुंदा सीगा जिथे जाके डीजल दे रहन दा इंतजाम उस दे नाल इवेंट्स दे उत्ते जाना उस दे किहड़े किहड़े इवेंट्स होणगे इस दा ध्यान रखन दा काम सी। तो जोनासन ने फर्म ग्रीनबर्ग ग्रास के एक बयान दे विच दस्या कि उस दे नाल बहुत ज़्यादा सैक्सुअल हरैशमेंट हुई है। तो दस दिए कि इस दे नाल ही उसने कहा कि उन्होंने अपने कस्टमर दे नाल खड़े होने ते विन डीजल दे खिलाफ आवाज़ उठाने दे विच काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस किया क्योंकि एक घटना उन्होंने वालों दसी गई कि सितंबर 2010 की देर रात दे विच जोनासन नू सेट रेगिस होटल दे विच इकट्ठे रहने लिए कहा गया सीगा। जो उत्थे पहुँचते हैं तो क्लब तो वापसी करते हैं तो इस दौरान उस दे नाल विन डीजल दे वल्लों जबरदस्ती की जाती है तो कहा जाता है तो उसकी बांह भी फड़ ली जाती है तो बैड के वल धकेलिया जाता है। जिस तो बाद इस असिस्टेंट का कहना है कि उस दे वल्लों किसी दे नाल गलबात नहीं की गई है पर हुण उन्होंने जो विन डीजल है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिता है आवाज़ खड़ी की है। तो थोड़ा इस खबर के उत्ते की विचार है सानू कमेंट सैक्शन के जरूर दस्यो।